इसके पहले के वीडियो में बताए थे, बायोकेमिस्ट्री के वीडियो है। बायोकेमिस्ट्री के वीडियो में पहला चैप्टर जनरल बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, जिसमें से हम इससे जस्ट पहले वाले में मोलैरिटी पढ़ाए थे। तो मोलैरिटी में ये बताए थे कि कंसंट्रेशन निकाला जाता है किसी भी सॉल्यूशन का, तो मोलैरिटी से भी कंसंट्रेशन ही निकाला जाता है किसी भी सॉल्यूशन का। कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या होता है तो ये भी पढ़ा चुके हैं, सबसे पहले वाले ही वीडियो में पढ़ाए थे। जनरल बायोकेमिस्ट्री के पहले जो वीडियो था इंट्रोडक्शन वाला, तो पहले वाला वीडियो जो जनरल बायोकेमिस्ट्री का था उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिए थे सॉल्यूट सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का। तो उसमें ही बताए थे कि मान लीजिए कि ये पानी है और मान लेते हैं कि इसमें हम चीनी मिलाते हैं, तो सॉल्ट या नमक या चीनी, सॉल्ट या शुगर दोनों में से कोई भी एक मान सकते हैं, तो लेते हैं तो कम अमाउंट में लेते हैं, और पानी जो ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो ज़्यादा अमाउंट वाला सॉल्वेंट होता है, और कम अमाउंट में जो लेते हैं वो सॉल्यूट होता है, और जब दोनों मिक्स हो जाता है तो बना देता है सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन में वाटर में शुगर का अमाउंट कितना है, अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, कम है तो कम कंसंट्रेटेड होगा। तो यही निकालना सॉल्वेंट में सॉल्यूशन, सॉल्वेंट में सॉल्यूट का या सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो अमाउंट निकाला जाता है यही कंसंट्रेशन होता है, और यही कंसंट्रेशन निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट भी होता है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, नॉर्मैलिटी है, परसेंटेज सॉल्यूशन है। तो इक्विवेलेंट वेट और मोलैलिटी बता चुके हैं पहले के वीडियो में, देख सकते हैं आप लोग जाके, और आज बताने जा रहे हैं मोलैलिटी। तो इससे भी किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं। तो मोलैलिटी के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो कि यहाँ दिया हुआ है, देख रहे होंगे कि मोलैलिटी कहने का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो मोलैलिटी को ही मोलल कंसंट्रेशन कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। मोलैलिटी इज़ ऑल्सो नोन एज, ये ऑल्सो कॉल्ड मोलल कंसंट्रेशन, और यहाँ पे इसको डिफाइन किया हुआ है कि होता क्या है। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी किसी भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, टोटल सॉल्यूट कितना मिलाया हुआ है किस में, तो सॉल्वेंट में कितना मिलाया हुआ है, यही निकालना क्या कहलाता है, मोलैलिटी होता है। और मोलैलिटी को हमको किस में लेना है, किलोग्राम में, और सॉल्यूट को हमको किस में लेना है, मोल में। तो हम निकाल सकेंगे किसी भी सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का, सॉरी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाल सकेंगे। और इस ये मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मोलैरिटी जो इससे पहले पढ़ाए थे उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और यहाँ मोलैलिटी का फॉर्मूला है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करना है सॉल्वेंट्स, और सॉल्वेंट को हमको लेना है किस में, तो यहाँ दिया हुआ है केजी में लेना है। अब एक प्रॉब्लम बना के दिखा देते हैं कि कैसे बनेगा। तो एक क्वेश्चन है कि मोलैलिटी निकालना है एक सॉल्यूशन का जिसमें 500 ml वाटर है और 20 ग्राम उसमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व किया गया है वाटर में, तो इसका मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला तो देख ही चुके हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे हमको 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है वाटर में, ये दिया हुआ है, लेकिन पूरा सॉल्यूट का मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया हुआ है। तो मोलैलिटी के लिए हमको मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो इसलिए हमको पहले क्या करना होगा, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि जितना हमको दिया हुआ है सॉल्यूट का मास, उसको हमको टोटल उस NaOH के मास से डिवाइड करना होगा, तब हमको मिल जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो 20 ग्राम दिया हुआ है, मास ऑफ NaOH हमको चाहिए, तो मास ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे, तो ये मालूम होगा NaOH का कि सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, ऑक्सीजन है उसके बाद, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 है, और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है यहाँ पे वन होगा। तो सब तीनों को 23, 16 और 1 को ऐड करेंगे हम तो 40 मिलेगा हमको, और 20 ग्राम NaOH दिया हुआ है और मास हमको NaOH का मिल गया 40 ग्राम, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, तो 0.5 मिल जाएगा। तो 0.5 क्या निकल गया मेरा, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया 0.5। और अब हमको दिया हुआ है सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, तो 500 ml दिया हुआ है, तो ml में दिया हुआ है सॉल्वेंट, जबकि हमको किस में चाहिए, तो हमको चाहिए
इस किलोग्राम में, तो यहाँ हम किलोग्राम में पहले 500 ml है तो उसको किलोग्राम में पहले चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0.500 या 0.5 भी बोल सकते हैं, तो इतना आ जाएगा। तो इतना आ गया हमको, सॉल्वेंट केजी में आ गया 0.5, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया 0.5। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो पूरा तो कट जाएगा, बच जाएगा 1 m, इतना हमको निकल गया मोलैलिटी। तो यही था मोलैलिटी निकालने का प्रॉब्लम, क्वेश्चन कैसे बनाना है ये बात हो गई, डिफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया। और अगर कोई कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट, एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।